नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंह कपूर सिंह तारा क्लास में। आज मैं आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री के विषय में बताऊंगा, जो कि आपको UPSC, SSC, इंडियन बैंकिंग और बहुत सारे कंपटीशन में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, तहकीक-ए- हिंद की रचयिता कौन थे, किसने लिखा था इसको? अलबरूनी लिखा था। और किसके शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था? वो था महमूद गजनवी के शासनकाल में। दूसरा प्रश्न है, हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ था? हिजरी सन का प्रारंभ 622 ईस्वी से शुरू हुआ था। चहल या 40 गुलामों का दल का जो संगठन है वो किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया था? तीसरी लड़ाई में पराजित किया था मराठों को। वैदिक काल राजा जो वैदिक काल में राजा की सहायता करने वाला जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन था? वो था पुरोहित। पांचवा प्रश्न है, छठा प्रश्न है, कल्पसूत्र की रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसको माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध जो रानी थी चांद बीबी, उसका संबंध किस राज्य से था? अहमदनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुजुकी बाबरी जो बाबर की आत्मकथा है वो किस भाषा में लिखी गई है? वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये सारे प्रश्न UPSC में, PCS किस में, SSC में पूछे जाते हैं। कृपया मेरे चैनल को आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक्स। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।